हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। पहाड़ी थाना क्षेत्र के एक केस मामला सामने आया जहां पे 8 साल के लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है। तो उनके माँ बाप का आरोप है कि चितानी नाम का व्यक्ति 60 साल का मेरे लड़की के साथ दुष्कर्म किया। ये घटना 6 तारीख की है और 6 तारीख के 3 बजे की हम उसी दिन मुकदमा लिखाने गए, मगर पहाड़ी थाना के दरोगा ने टाटू करके हटा दिया। यही पट है दुकान है, मकान जे नहीं दुकान से छोड़ के लड़का रह रोवर रह मकान जे यही के लेवा लवे तो ये गेह दुकान है। फिर ये वहीं कही थी गेह तो खेलने लागी दुकान से आई है तो वहीं तो खेला रही तो वो बाबा बोला इसका है बेटी यहीं आवे हम पान के डिब्बा भीतर रखी है तो ये बेटी ये गेह भीतर पान के डिब्बा रखा है तो जहाँ रखा गे है तहाँ सकाई बाबा दाई ली सी तो मैं घर में रही हूँ। फिर वही कुछ बेटी दू जा रही हूँ तो एक बेटी वो भाग आई है तो वो आई है तो मुझसे बताए कहे जा जल्दी से चाची तो नहीं है कहानी है बाबा कहे भीतर घुसे दी सी सकाई दई दी सी तो मैं धौरत धौरत गई तो ये नहीं सुनी सी बोलन दे रहे ही तो मैं जब फिर आई तो मैं गदेलन का कुछ कह मैं कहा जा गदेल तक देख पिछुआ तो नहीं है मुने हैं बाबा का शायद कूड़ा उड़ा मेला थो तो जाले वाला तो गदेल कहे हम ना जाइबे तो फिर मैं जो गई हाँ तो इन तथो के वो महनी के मारा महनी ये सिट के लिए हिलकाई रही है नहीं बंद से मजबूत नहीं बंद रहे तो मैं इनता जोर से ठेले तो नहीं खुल रहे फिर हन के ठेले हैं तो फिर कहा कि मारा खुल गए हैं तो ये वहीं तरह ठार रही है अब बाबा या पप्पा जमिए गर्म बनिया पैजामी जो होती वही के पहनर रहा है चल घर है तो ये आई तो ये रोवा लाग मैं कहा कहा रोती है कहा बता तो फिर ये कहा मम्मी रे बाबा मो चड्ढी उतार के मो साथ इन तीन तक करर रहा है कहे 65-70 साल के है। तो क्या आप जो ऐसी कांड हुआ है तो आप फिर पुलिस विभाग या रिपोर्ट लिखाने गए? हाँ रिपोर्ट लिखा गई तो बयान सगलो लागे मतलब इतने मो लागे ये के का कथी बताई सी ये सब कहानी हुआ तब फिर वो समझी नहीं फिर रिपोर्ट के ही नहीं हमें न्याय मिले हमें इंसाफ चाहिए हमें इंसाफ चाहिए। उनकी तरफ से किस तरह का आप लोगों को दबाव आया है उन धमकी ये आई है बोलते हैं तुम ये केस ले लो अब तुम राजीनामा हो जाओ तुमको पैसा मिलेगा 50-60 हज़ार और बात चलो हो जब हुआ तब हुआ अब इसके आगे कुछ नहीं होगा। हम बोला हम पैसा नहीं लेंगे हमको न्याय चाहिए हमको इंसाफ चाहिए। तो क्या आपके साथ गलत काम किया? हाँ किया है। मैं कहूँ मैं रोती रोती गई हूँ मैं कहूँ मम्मी देखो वो बाबा मेरी चड्डी उतारी है और अपने कपड़े तो फिर मेरी मम्मी गई है तो गाड़ी वाड़ी दी है कि इनके लड़की का इनता ना कहन उनता ना कहन तो हम अपने घर से आवा देखे झाँका कि हम बिटिया की चड्डी में सगल लाग है बिटिया की चड्डी के उतारवा लेनी धल लेनी हाँ बिटिया का ही सिक्किम है ऐसी ऐसी बाबा की ही। हाँ तो क्या ये बाबा पहले से ऐसे था? मारे पहले से हो भाई ना कारी पुरखा पान गांव से हाँ तब तो इनका क्या यही धप बानी है। हाँ तो क्या उनके परिवार में कोई नहीं है? परिवार में है बहुत है बीबी अरे दीदी है बहू है और पुता हुए हैं सब हैं पुता हुए हैं हाँ अब ढेर है अब हम नहीं जा सकी था वो के आगे कि अब हम नहीं जा सकी था। मैं बता दूं जब मुझे पता चला कि एक दलित परिवार की लड़की के साथ एक मासूम बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी हुई है कि एक 60 साल का बाबा उसके साथ इतना ज़्यादा मतलब व्यवहार किया कि उसके साथ रेप कर दिया। इसके बाद मुझे पता चला तो मैं पता की तो ये लोग थाने में थे पीड़ित परिवार वहाँ गई तो वहाँ देखी तो लगभग 20 जो विपक्षी था तो 20 लोग वहाँ बैठे थे लगभग 1 लाख रुपये भी लिए थे। पता चला वो लोग कहे भी हमसे कि मतलब 1 लाख रुपये ले लो और इसमें मैटर को दबा दो। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि इसके साथ बताइए हमारे लड़की के साथ अगर रेप ये लोग कर देते हैं तो हमें पैसे में ये तौल लेते हैं कि कहीं ना कहीं ये पैसे में बिक जाएंगे। जब मुझे पता चला मैंने कहा कोई पैसा नहीं लिया जाएगा इनको सिर्फ न्यायालय से ही अपना न्याय लेना है बस।
खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।